गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम आ चुके हैं 7th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज हमारे चैप्टर का नाम है प्लांट्स स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। हमारे तीन पार्ट हो चुके हैं दोस्तों, और आज हम हमारा चौथे पार्ट को लेके आ चुके हैं, और ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है ये चैप्टर के लिए। चलिए पढ़ाई करते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व अ फुल्ली ओपन हिबिस्कस फ्लावर। अब ये जो डायग्राम दी गई है हमें इसे ऑब्जर्व करना है, उससे पहले मैं ज़रा पढ़ लेता हूँ। फ्लावर में हैव अ लॉन्ग और अ शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेडिसिल। वन एंड ऑफ द पेडिसिल इज अटैच टू द स्टेम एंड द अनदर एंड ऑफ पेडिसिल इज एक्सपांडेड एंड स्वोलन। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें पेडिसिल के बारे में बताया गया है। पेडिसिल एक पार्ट जो होता है, पेडिसिल के दो पार्ट यहाँ पे बताया गया है, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। जो नीचे का हिस्सा होता है वो स्टेम से कनेक्टेड होता है, और जो ऊपरी हिस्सा होता है वो आगे जाके एक्सपांड हो जाता है और सूलन हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सूल हो गया, और उसके आगे मैं आगे भी बताऊँगा। ये चीज़ आप एक पेडिसिल के फंक्शन के हिसाब से लिख सकते हो आपके नोटबुक में। इट इज़ कॉल्ड रिसेप्टिकल। पेटल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर सपोर्टेड ऑन रिसेप्टिकल। कैलिक्स एंड करोना। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। अभी यहाँ पे हमें सारे पार्ट है उसके बारे में हमें बताया गया है। कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड जाइनोशियम, ये सारे फ्लावर के पार्ट हैं। कैलेक्स इज़ अ बर्ड कंडीशन। द पेटल्स आर कवर्ड बाय द लीफ लाइक पार्ट्स कॉल्ड सेपल्स विच आर ग्रीन इन कलर, दे फॉर्म द कैलेक्स। अब ये जो ग्रीन पार्ट आप देख सकते हो, ये जो लीफ की तरह दिखते हैं, वो एक चीज़ को कवर कर रहा है, जिसे वो कवर कर रहे हैं। और जो पूरे तरीके से उनका जो ग्रुप है उन्हें कैलिक्स कहा जाता है। करोला, दिस इज़ मेड अप ऑफ कलरफुल पार्ट्स ऑफ द पेटल। ऑब्जर्व द शेप कलर एंड स्मेल ऑफ द करोला ऑफ वेरियस फ्लावर्स लाइक द रोज, हिबिस्कस, मोगरा एक्सेट्रा। अब ये जो करोला है, जैसे जो एक सेपल होता है उसका पूरे ग्रुप को हम कैलेक्स बुलाते हैं, वैसे ही जो पेटल्स का जो ग्रुप को हम उसे करोला बुलाते हैं। एंड्रोशियम, दिस इज़ द मेल प्रोडक्शन पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट कंटेन्स द स्टेमन। ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। अभी जो एंड्रोशियम होता है वो फ्लावर के रिप्रोडक्शन का मेन मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट यहाँ पे एंथर देख सकते हो आप। एंथर इसमें ये स्टेमन है, ये सारे स्टेमन हैं, और इनके ऊपर जो आप छोटे छोटे डॉट्स देख सकते हो उन्हें हम एंथर कहते हैं। और जो डॉट्स उनके ऊपर खड़े हैं, वो जो लंबी स्टिक्स है, छोटी स्टिक्स हैं, उन्हें हम फिलामेंट कहते हैं। गाइनोशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। दिस इज मेड अप ऑफ कार्पेल्स। अ कार्पेल कंसिस्ट ऑफ अ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। ये जो पूरा पार्ट है इसे हम कार्पेल कहते हैं। ये हो गया स्टाइल, ये जो हमारी बड़ी डंडी है हम उसे स्टाइल कहते हैं, और ये जो हमारे ऊपर के जो ये चीज़ है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं, और जो नीचे का ओवरी है जिसमें अंडा जाके बैठता है उसे हम ओवरी कहते हैं। हम अगर ये तीनों चीज़ को एक साथ कह दें, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं कार्पेल दोस्तों। फिर हम आगे देख सकते हैं। टेक अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ हिबिस्कस फ्लावर विथ अ हेल्प ऑफ अ शार्प ब्लेड बाय कटिंग द फ्लावर वर्टिकली फ्रॉम द स्टिग्मा टू द पेडिसिल। अब यहाँ पे एक डाइसेक्शन का पार्ट दिखाया गया है दोस्तों। ये डाइसेक्शन मैंने भी किया है। ये डाइसेक्शन करते वक्त हमें इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये डाइसेक्शन करते वक्त आप और एक्सप्लोर कर पाओगे। एक्सप्लोर करते वक्त फिर और मैं आगे पढ़ता हूँ। बाय कटिंग द फ्लावर वर्टिकली फ्रॉम द स्टिग्मा टू द पेडिसिल
both sections of the flower will be seen as same structure. अब अगर आप इसे ऊपर से ऐसे काटोगे एक शार्प ब्लेड से दो पार्टों में, तो जो दोनों पार्ट है, जो अंदर का जो पार्ट है, आप उसे देख पाओगे दोस्तों। ये मैंने भी ट्राई किया है। इससे आप और ये जो प्रोसेस है, आप इसे और अच्छे से समझ पाओगे और इसे और करीबी से देख पाओगे। आफ्टर मैच्योरिटी एंथर बर्स्ट एंड दे द पोलन ग्रेन्स विच आर रिलीज्ड फॉल ऑन द स्टिग्मा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जो अब देखो, जब ये मैच्योरिटी हो जाती है उनमें, ये जो येलो चीज़ है एंथर, वो बर्स्ट हो जाता है, वो फूटने लगता है। जब वो फूट जाता है तभी उनके अंदर के जो पोनल ग्रेन्स होता है वो रिलीज हो जाता है और वो जाके गिरते हैं स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरते हैं। अभी वो कैसे भी गिर सकता है, वो हवा के वजह से गिर सकते हैं, वो कोई बर्ड के, या आगे पढ़ेंगे। फिर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, हमने ये भी पढ़ लिया आगे। अभी ये जो पॉलिनेशन की यहाँ पे प्रोसेस लिखी है, आप उसे अंडरलाइन कर सकते हो या आप उसे अपने जो डायरी है या जो आपकी नोटबुक है आप उसमें लिख सकते हो। टू द पॉलिनेशन ओवल एग सेल, जैसे मैंने कहा था, इन द ओवरी गेट्स फर्टिलाइज्ड। और ये जो ओवरी है इसके अंदर ना एग सेल होता है, जिसमें जो स्टाइल के नीचे से जब एंथर बर्स्ट हो जाता है और पोनल ग्रेन्स इसके ऊपर बैठते हैं, तो ये दोनों फ्यूज होके नीचे आते हैं और यहाँ पे जो है इस चीज़ उसके थ्रू वो यहाँ पे आके फर्टिलाइज्ड ओवल्स फॉर्म द सीड एंड द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी आप सोच रहे रहेंगे जितने भी ओवल्स एक एग्जिट से कितने ओवल जा सकते हैं, एक 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 एंट्रेंस से एक ही पोनल ग्रेन, वरना तो दो पोलन ग्रेन जा सकते हैं। जैसे ही ये अंदर जाते हैं उसके थ्रू एक अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके थ्रू वो नीचे ओवरी तक जाते हैं दोस्तों। ऑफ व्हाट यूज द प्लांट्स आर इन इंसेक्ट फिटिंग अराउंड इट। नेम ऑफ द फ्लावर, अभी आप ये टेबल खुद कर सकते हो। ये टेबल करने के लिए आप अपनी नोटबुक में कर सकते हो, पेस्ट रन करता हूँ। अभी हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। अभी जो हमारा टॉपिक है फ्रूट, वी ईट मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, ईच टाइप ऑफ फ्रूट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टर स्केच, देर आर वेरियस वेरिएशंस इन शेप कलर टेस्ट एंड एक्सेट्रा, मैंगो कंटेन्स ओनली वन सीड वेर अ जैकफ्रूट कंटेन्स ऑफ अ मैनी स्मॉल फ्रूटलेट्स ईच विथ इज ओन फूड ओन सीड, ऑब्जर्व द फ्रूट्स। अभी हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इतने सारे हम फ्रूट्स खाते हैं, इतने सारे हर एक फ्रूट के अपने अपने खुद के कैरेक्टर स्केच होते हैं। कोई अपने शेप में अलग दिखता है, कोई अपने कलर में अलग दिखता है, किसी का टेस्ट अलग होता है, वो सब अपने हिसाब से रहते हैं। मैंगो कंटेन्स ओनली वन सीड, अगर एक मैंगो एक ही सीड कंटेन करता है, पर एक जैक फ्रूट होता है कंटेन्स ऑफ अ मैनी स्मॉल फ्रूटलेट्स, जो जैकफ्रूट होता है वो बहुत छोटे छोटे फ्रूटलेट्स रखता है, ईच विथ इट्स ओन सीड। अभी ये जो फ्रूटलेट है उसके अंदर एक खुद का सीड होता है जिससे ये जैकफ्रूट ग्रो होता है, अगर आप उसे लगाओगे तो। द फ्रूट्स ऑफ मैंगो चीकू एप्पल एक्सेट्रा, ऑब्जर्व करना है, वॉट डू यू ऑब्जर्व, ईच फ्रूट हैज़ अ डिफरेंट स्किन एंड शेल। ये जो तीनों फ्रूट है, मैंगो चीकू एप्पल, इन तीनों का जो फ्लैशी पार्ट है, जो स्किन है, वो जो शेल है, वो तीनों अपना अलग अलग अपना अपने उनके सेम नहीं होते हैं। इन केस ऑफ फ्रूट्स लाइक कैश्यू नट, इट सीज द सीड इज आउटसाइड एंड द फ्रूट इज इनसाइड। कुछ में ऐसा भी हो सकता है जो सीड होता है वो बाहर का पार्ट होता है और जो फ्रूट होता है वो अंदर का पार्ट होता है। Soak the seed of pea, wheat, rice, johar, groundnut in water for 3 to 4 hours. Press the seed with your fingers and observe them. With the seeds get divided into two equal parts. Seeds will get divided into two equal parts are called
डाइकोटिलेडोन्स। अगर जो सीड्स दो इक्वल पार्ट में कट रहे हैं और उनके दो दोनों एकदम रेप्लिका बन रहे हैं, और जब उन्हें हम एक दूसरे को दो पार्ट में काट रहे हैं तभी हम उन्हें डाइकोटिलेडोन कहते हैं। सीड्स विच आर नॉट डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडोन्स। जो सीड्स होते हैं अगर हम उन्हें काटे तो वो एक दोनों पार्ट में नहीं होते तो उसे हम कहते हैं मोनोकोटिलेडोन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हमारा जो 700 का दूसरा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय।